पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कंवरपाल गुर्जर ने मंत्री पद की शपथ ली है। 1991 में पहली बार चुनाव जीता, पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे कंवरपाल गुर्जर, और आज सुबह अपने बयान की वजह से काफी चर्चाओं में रहे थे जब उन्होंने कहा था कि मेरी राय में खट्टर सरकार ने अच्छा काम किया है तो एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्हें मंत्री पद की शपथ अब उन्होंने ली है। तो पहले मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कंवरपाल गुर्जर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यमुनानगर जिले की जगाधरी सीट से एमएलए हैं, यानी कि विधायक हैं। 1990 में बीजेपी में शामिल हुए थे, हरियाणा के शिक्षा मंत्री पिछली सरकार में रहे और आठवे मंत्री भी रहे हैं हरियाणा सरकार में कंवरपाल।